बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 12, जिसका नाम है पादप में जनन। प्यारे बच्चों, इस पाठ में अभी तक हमने पढ़ा है अलैंगिक जनन और उसके प्रकार, और साथ ही हमने सीखा है लैंगिक जनन के विषय में। लैंगिक जनन में अब तक हम एकलिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प के विषय में सीख चुके हैं। साथ ही हमने सीखा है परागण और उसके प्रकार। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पादप में जनन। इस पाठ में हम अब तक पढ़ चुके हैं कि पादप कौन सी जनन विधियां अपना करके जनन करती है, जिसमें हमने पढ़ा अलैंगिक जनन के विभिन्न विभिन्न प्रकार की जनन विधियां, यानी कौन से कायिक अंग है जिनके द्वारा पादप अलैंगिक जनन को पूर्ण करते हैं। तत्पश्चात हमने पढ़ा लैंगिक जनन क्या होता है, क्या होते हैं एकलिंगी और द्विलिंगी पुष्प। फिर हमने देखा किस प्रकार से परागण की प्रक्रिया पादप में पूर्ण की जाती है, और परागण के प्रकार के विषय में हमने सीखा। परागण के दो प्रकार जिनके विषय में हमने जाना, वह थे स्वपरागण और परपरागण। अब परागण के पश्चात अगला चरण क्या होता है, वह हम आज सीखने वाले हैं, यानी आज हम सीखेंगे निषेचन की प्रक्रिया, और साथ ही हम सीखेंगे किस प्रकार से फल एवं बीज का निर्माण होता है। तब हम एक बार जब बीज बन गया और हमने फल का इस्तेमाल भी कर लिया, तो किस प्रकार से वह बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है, कैसे एक जैसे ही पौधे आपको अलग अलग स्थानों पर मिल जाते हैं, और यह कैसे संभव हो पाता है कि एक बीज जो वजन में भारी है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच गया, वह कौन से कारक हैं जो बीज की सहायता करते हैं उसके प्रकीर्णन, तो यह सब हम आज सीखने वाले हैं आज के पाठ पादप में जनन, और हम सीख रहे हैं लैंगिक जनन के विषय में। तो आइए शुरू करते हैं निषेचन की प्रक्रिया को सीखना। प्यारे बच्चों, अब प्रश्न आता है कि निषेचन होता क्या है, यह क्या प्रक्रिया है। तो बच्चों, नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है, और यही इसकी परिभाषा भी है। यह प्रक्रिया किस प्रकार होती है, आइए सीखते हैं इस क्रियाकलाप की सहायता से। बच्चों, हम सीखेंगे किस प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया होती है, और इसके लिए हम निषेचन युग्मनज निर्माण को इस चित्र की सहायता से सीखेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले इस तरीके से बनाएं, और फिर यहां से ये सरलतम विधि जिसके द्वारा आप आसानी से इस चित्र को बनाना भी सीख जाएंगे और आपको यह प्रक्रिया समझ भी आएगी। ये जो हमने बनाया यह दर्शा रहा है अंड कोशिका को, और यहां हम बनाएंगे किस प्रकार से परागकण अंकुरित होते हैं। यह अंदर की तरफ एक नलिका होती है जो विकसित होती जाती है, और यह नलिका जो है विकसित होकर के यहां पहुंच जाती है, जिसे हम इस चित्र में यहां दर्शाएंगे। यह जो हमने अंड कोशिका बनाई थी, जिसमें एक ही और इस तरीके से
सारा चित्र जो है वो एक समान ही होगा। जो आप यहां अंतर देखेंगे वो यह जो पराग नली है वह विकसित होकर के अंड कोशिका तक पहुंच जाएगी और इसी पराग नली की सहायता से ये जो यहां पर पराग कण थे उसका केंद्रक यहां से चल के इस नलिका के अंदर से और इस अंड कोशिका के केंद्रक तक पहुंचेगा और यहां पर नर और मादा युग्मन के युग्मन बनने से युग्मनज का निर्माण होगा और इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं निषेचन। यानी निषेचन माने युग्मनज निर्माण। आइए अपने चित्र को और स्पष्ट करने के लिए हम इसमें रंग करते हैं। सबसे पहले आप बनाएं यह निषेचन की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है और परागण होने के पश्चात पराग कण अंड कोशिका तक पहुंचते हैं। ये पराग नलिका विकसित होती जाती है और इस चित्र में आप पूर्ण रूप से देख सकते हैं किस प्रकार से पराग नलिका विकसित होकर के अंड कोशिका तक पहुंचती है। पराग नलिका का विकसित होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि बच्चों यही पराग नलिका होती है जो इन पराग कणों को रास्ता देती है अंड कोशिका तक पहुंचने का और इस अंड कोशिका में पहुंचकर यहां पर नर और मादा युग्मक का युग्मनज होता है। ये हम बना रहे हैं स्त्री केसर के अंग को जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, पुंकेसर और स्त्री केसर के विभिन्न भाग। और जब परागण की प्रक्रिया होती है तत्पश्चात निषेचन होता है। जब पराग कण स्त्री केसर तक आते हैं और उसके पश्चात पराग नलिका विकसित होती है और उसी पराग नलिका से पराग कण पहुंचते हैं अंड कोशिका तक ताकि निर्माण हो सके युग्मनज का। युग्मनज क्या है? युग्मनज एक कोशिका है जो नर और मादा युग्मक के युग्मन से बनती है और बच्चों यही कोशिका यानी युग्मनज विकसित होता है भ्रूण में और भ्रूण से आगे नए पादप का जन्म संभव हो पाता है। इसीलिए निषेचन की प्रक्रिया लैंगिक जनन का महत्वपूर्ण चरण है। और ये हम जो बना रहे हैं ये बना रहे हैं किस प्रकार से पराग नलिका विकसित होती है और यहां से आपको मैं यहां से जब ये पराग कण चला तो ये जो आपको रास्ता दिखाई ये रास्ता आपको दिखा रहा है कि यहां से चला हुआ पराग कण यहां पहुंचता है और यहां निर्माण होता है
युग्मनज, युग्मनज निर्माण, निषेचन माने युग्मनज निर्माण भी हम इस प्रक्रिया को कह सकते हैं। अब आप निषेचन की परिभाषा भी आसानी से समझ सकते हैं। यह क्या था? यह था अंकुरित, यह क्या था? अंकुरित होता परागकण, और यही परागकण पहुंचेंगे हमारी अंड कोशिका के पास, और किसका निर्माण करेंगे? युग्मनज का। और ये किसकी सहायता से पहुंचेंगे? इस इसकी सहायता से पहुंचेंगे इस पराग नलिका की सहायता से। तो बच्चों, ये हमने सीखा है निषेचन की यानी युग्मनज निर्माण की प्रक्रिया। और अब हम सीखेंगे कि निषेचन के पश्चात पुष्प का क्या होता है, किस प्रकार से बीज का निर्माण होता है और कैसे फल बनता है। आइए सीखते हैं। प्यारे बच्चों, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं, और परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। कुछ फल गुद्देदार और रसीले होते हैं, जैसे कि आपका फेवरेट आम, सेब और संतरा, जबकि कुछ फल कठोर होते हैं, जैसे बादाम और अखरोट। तो ये सब कब होता है? जब निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो उसके पश्चात फल और बीज का विकास हो पाता है। प्यारे बच्चों, आपने अपने आसपास देखा होगा कि एक ही प्रकार के पादप आपको विभिन्न स्थानों पर देखने को मिल जाते हैं। यह कैसे संभव हुआ? किस प्रकार से एक पादप अनेक स्थानों पर आपको देखने को मिलता है? वह कौन सी तरीका था, या कौन सी विधि थी, या कौन से कारक थे जिनकी सहायता से बीज उस स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाता है? आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बीज प्रकीर्ण की। बीज प्रकीर्ण वह विधि है जिसकी सहायता से बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाता है। ऐसे बहुत से कारक हैं या बहुत से साधन हैं जिनकी सहायता लेकर के बीज अपने पेड़ के उगने वाले स्थान से अन्य स्थान तक पहुंच पाता है और एक नए पादप को वहां जन्म देता है, जैसे वायु, जल या बहुत सारे जीव जंतु उस बीज की सहायता करते हैं उसके प्रकीर्ण में। आइए, कौन सा बीज किस विधि के द्वारा प्रकीर्ण किया जाता है, बीज प्रकीर्ण में सीखते हैं। बच्चों, कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग आएं, क्या होगा? आपके विचार से इस परिस्थिति में क्या होगा? पादप के नवोद्भिदों यानी नए उगे पौधों के बीच धूप, जल, खनिज और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित ना हो पाए। पादपों को बीजों के प्रकीर्ण से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिदों में सूर्य के प्रकाश, जल और
खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है और यह प्रकीर्ण पद्धति का लाभ ही है जिससे पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायता मिलती है ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सके। अब प्रश्न आता है कि प्रकृति में पादप के इन फलों और बीजों का प्रकीर्ण होता कैसे है? प्यारे बच्चों, प्रकृति के पास हर समस्या का समाधान होता है। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्ण प्राकृतिक तरीकों से ही होता है, जैसे पवन, जल और जंतु, ये सभी मिलकर के पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्ण करने में सहायक होते हैं। और इनमें से कौन किसका प्रकीर्ण करेगा, यह निर्धारित होता है कि बीज किस प्रकार का है, वह हल्का है, पंख वाला है या भारी है। तो आइए देखते हैं कौन सा बीज किस सहायक के द्वारा प्रकीर्णित किया जाता है। प्यारे बच्चों, बीज का प्रकीर्ण निर्भर करता है उसकी प्रकृति, उसके आकार पर, वह किस प्रकार का सांचा या ढांचा रखता है। जैसे सहजन या द्विफल, ऐसे पादप के पंख युक्त बीज होते हैं। ठीक ऐसे ही घास के हल्के बीज या मदार के रोम युक्त बीज या फिर सूरजमुखी के रोम युक्त बीज, ये हल्के होते हैं और पवन के साथ आसानी से उड़कर दूर स्थानों तक चले जाते हैं। तो इसकी सहायता होती है इनके ढांचे के कारण कि ये उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। जबकि कुछ बीज जल के द्वारा भी प्रकीर्णित किए जाते हैं। ऐसे कौन से बीज हैं? तो बच्चों, ऐसे बीज अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं। इससे उन्हें फायदा होता है कि वे जल में प्लवन यानी तैर सकते हैं और तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। उदाहरण के लिए नारियल, नारियल जो है वह आसानी से जल में तैर सकता है और इसी कारण यह प्रकीर्णित हो सकता है एक स्थान से दूर के स्थान तक। और कुछ बीज तो बच्चों जंतुओं के द्वारा भी प्रकीर्णित हो जाते हैं। वह कौन से बीज हैं, उनमें क्या खासियत होनी चाहिए? तो बच्चे, ऐसे बीज में कंटकी बीज या कांटेदार बीज हों जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं। ऐसे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूर के स्थानों तक आसानी से पहुंच जाते हैं, जैसे यूरेना या जेंथियम के बीज। आपको याद ही होगा जब कभी आप खेत में या किसी पार्क में जाते हैं और पेड़ या इस प्रकार की झाड़ियों के संपर्क में आते हैं तो इनके बीज आपके वस्त्रों से चिपक जाते हैं और जहाँ कहीं भी आप जाकर इनको देखते हैं तो आपको ये वहाँ कपड़ों से चिपके हुए मिलते हैं। आप इनको वहीं झाड़ देते हैं और ये आसानी से ही बिना आपके पता चले ये प्रकीर्णित हो जाते हैं। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं और इससे उनके अंदर जो बीज स्थित होते हैं वह प्रकीर्णित हो जाते हैं, दूर जाकर गिर जाते हैं, यानी बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। ऐसे उदाहरण हैं अरंड और बालसम के पौधे, इनमें ऐसा ही होता है। इनके फल झटके से फटते हैं और इनके बीज दूर जाकर गिर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह था अपना आज का पाठ। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक आपने क्या सीखा। सबसे पहले आइए देखते हैं इस पाठ में आने वाले प्रमुख शब्द, जैसे अलैंगिक जनन, मुकुलन, भ्रूण, प्रकीर्ण, निषेचन, खंडन, युग्मक, बीजांड, परागण, लैंगिक जनन, बीजाणु, बीजाणुधानी, परागकोश, कायिक प्रवर्धन, युग्मनज, परागकण, स्त्री केसर और पुंकेसर। ये सभी वह शब्द हैं बच्चों जो इस पाठ में प्रमुखता से इस्तेमाल हुए हैं। आप इन शब्दों को अच्छे से याद करें और इन्हें लिखना सीखें, साथ ही इन शब्दों के अर्थ
एवं परिभाषा भी अवश्य याद करें। और अब वह मुख्य बिंदु जो हमने इस पाठ में सीखे, जैसे नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। यह निषेचन की परिभाषा भी है बच्चों। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है और युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। साथ ही फल एक परिपक्व अंडाशय होता है, जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है। बीज में विकासशील भ्रूण होता है और बीजों का प्रकीर्ण पवन, जल अथवा जंतुओं के द्वारा होता है। साथ ही हमने सीखे बीज प्रकीर्ण के फायदे। वह क्या है कि एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने के लिए, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करने के लिए और नए आवासों के अधिग्रहण में सहायक होता है। क्या? बीज प्रकीर्ण। प्यारे बच्चों, यह था अपना आज का पाठ, जिसमें हमने सीखा निषेचन की प्रक्रिया, फल और बीज का बनना और साथ ही हमने सीखा बीज प्रकीर्ण। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.